बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ अहमद खोखर। आज सी प्लस उसके लेक्चर में हम बात करेंगे किस तरह से हम पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के साथ हम स्ट्रक्चर्स के मेंबर तक एक्सेस हासिल करते हैं, किस तरह से हम स्ट्रक्चर का एड्रेस मालूम कर सकते हैं वाई यूजिंग पॉइंटर, किस तरह से हम स्ट्रक्चर के जो मेम्बर्स होते हैं उनको हम डी रेफरेंस कर सकते हैं वाई यूजिंग पॉइंटर। हम आगे स्ट्रक्चर से तो हम फेमिलियर हैं कि किस तरह से हमने स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है और किस तरह से हम उसके मेंबर्स को डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस करते हैं। हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए स्ट्रक्चर तक मेंबर्स तक एक्सेस हासिल करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इतना सा स्ट्रक्चर पहले बना के रखा हुआ है लैंग्वेज का कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। चले अब हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्ट का कीवर्ड आगे बुक नेम का मैं स्ट्रक्चर डिफाइन करता हूँ। उसके अंदर मैं दो मेंबर्स डिफाइन करता हूँ। एक मैं आईडी डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद स्ट्रिंग नेम। स्ट्रिंग डाटा टाइप में स्ट्रक्चर का नेम बुक का नेम आ जाए। बुक की मेरे पास है, बुक नेम का मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन किया जिसके अंदर मैं उसका आईडी ले रहा हूँ बुक का और बुक का नेम। ठीक है, अब बुक का आईडी और बुक का नेम ले रहा हूँ। चलें अब हम इसके अंदर हम जानते हैं कि जैसे हमने स्ट्रक्चर डाटा टाइप डिफाइन किया साथ हम उसको एक्सेस करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे हम उसका वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ऑब्जेक्ट वन। ठीक, जैसे हम इसको ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर लगा के हम इसके मेंबर्स तक एक्सेस हासिल करते हैं। इसी तरह इसके अंदर मैं अब ये जो हमने रखवाई हैं दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाएँ, एक इंट आईडी, दूसरा स्ट्रिंग नेम। इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि हम पहले चीज़ें रखवा लें, उनको बाद में हम डी रेफरेंस भी करते हैं। यूज़र का मैसेज डिस्प्ले हो, एंटर आईडी एंड नेम ऑफ बुक। सीन पहले करवाते हैं कि इसका मैंने ये जैसा कि आप जानते हैं ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करवाया हुआ है, इसी ऑब्जेक्ट का मैं यूज़ करूँगा ऑब्जेक्ट वन डॉट। पहले आईडी एंटर हो, आईडी एंटर करने के बाद यूज़र बुक का नेम एंटर करें, ऑब्जेक्ट वन डॉट नेम। इसे हम कंपाइल करके देखते हैं हमारा कोड ठीक चल रहा है। एंटर द नेम एंड आई डी ऑफ द बुक, ये आपके सामने एंटर द नेम एंड आई डी ऑफ द बुक। ठीक, ये तो अब हम इधर पहले आई डी एंटर करते हैं 20 आई डी एंटर कर दी, उसके बाद नेम हम एंटर करेंगे कि इंग्लिश। ठीक है, हमारा ये ठीक चल रहा है। अब हम इसे पॉइंटर्स के थ्रू, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ जिसके अंदर हमारी आईडी है और नेम है। स्ट्रक्चर डाटा टाइप का हमारे पास मेमोरी में ब्लॉक क्रिएट हुआ है जिस ब्लॉक के अंदर हमारे पास इंट आईडी का वेरिएबल है, स्ट्रिंग नेम का वेरिएबल है। अब हमने उस ब्लॉक तक एक्सेस हासिल करनी है, उसका एड्रेस मालूम करना है कि एड्रेस क्या है। जैसे हमने ये हमारी डाटा टाइप है बुक, ठीक है, जिसका हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर करा है। अब इसी डाटा टाइप का मैं साथ डिक्लेयर करवा लेता हूँ एक पॉइंटर, स्टेरिक साइन लगा के पीटीआर। वही तरीका पॉइंटर डिक्लेयर करने का के स्टेरिक साइन लगा के आगे हम आइडेंटिफायर लगा देते हैं, आइडेंटिफायर बता देते हैं कि उसका नाम क्या होना चाहिए। डाटा टाइप हम उसकी वो रखेंगे जिस मेंबर्स को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, जिस स्ट्रक्चर के वही स्ट्रक्चर इसकी डाटा टाइप होगी, नहीं तो अदरवाइज एरर आएगा। ठीक है, अब हम जो हमारा पॉइंटर है बुक टाइप का, उसे मैं असाइन कर देता हूँ एड्रेस। एड्रेस अब किसका एड्रेस मैं असाइन करूँगा, ये वाले ऑब्जेक्ट का। ये वाले ऑब्जेक्ट को असाइन करने से पॉइंटर की एक्सेस हो जाएगी इधर, इसके एड्रेस के थ्रू इन तक एक्सेस हो जाएगी पॉइंटर की। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट वन, इस तरीके से अब मैंने क्या किया, पॉइंटर में ऑब्जेक्ट वन रखवा दिया, ऑब्जेक्ट वन का एड्रेस असाइन कर दिया हमने, ये दो चीज़ें एंटर करवाईं। ठीक, अब हम पॉइंटर्स के थ्रू इनको एक्सेस करना चाह रहे हैं। पॉइंटर्स के थ्रू आप कैसे एक्सेस करेंगे, मैं चाह रहा हूँ कि पहले हमारे पास ये जो मेमोरी ब्लॉक हमारे पास क्रिएट हुआ है इसका एड्रेस आ जाए हमारे पास।
मैं लिखता हूँ कि एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर बुक इज, एड्रेस क्या है हम एड्रेस देखते हैं। अब पी टी आर पॉइंटर के अंदर क्या पड़ा होगा, हम देख सकते हैं कि पॉइंटर को हमने इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन करा दिया। अब देखते हैं हमारे पास आता है एड्रेस क्या नहीं। एंटर आईडी, बुक की आईडी मैं 50 ऐड कर देता हूँ, नेम उर्दू ऐड करता हूँ। ये देख सकते हैं आप एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर बुक इज, ये हमारा एड्रेस है। अब ये एड्रेस किसका है, इसका है, इस मेमोरी ब्लॉक का है जिस ब्लॉक के अंदर ये चीज़ें क्रिएट हुई हैं। ठीक, अब हम इसके एड्रेस से इन चीज़ों तक एक्सेस हासिल करना चाह रहे हैं। अब वो कैसे करेंगे, इधर एंडर लगा देते हैं ताकि हमें परेशानी ना हो बाद में। लगा देते हैं सी आउट आईडी ऑफ बुक इज, बुक आईडी। अब आईडी क्या है बुक की, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ओबीजे वन डॉट आईडी, ऐसे हमारी आईडी शो हो जाएगी। पर हम वाया पॉइंटर करना चाह रहे हैं, इसलिए अब हम करेंगे कि पीटीआर। अब पॉइंटर्स पे हम डी रेफरेंस करने के लिए, आपको याद होगा पिछले लेक्चर्स में हम ये साइन लगाते हैं, स्टैटिक साइन लगाते हैं वैल्यू को डी रेफरेंस करने के लिए। बट हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू जब वैल्यू डी रेफरेंस करनी है स्ट्रक्चर की या क्लास की, क्लासेस के बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, क्लासेस के नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। पॉइंटर से जब हमने स्ट्रक्चर का कोई मेंबर एक्सेस करना है, उसके लिए पॉइंटर लिख के हम एरो ऑपरेटर लगाते हैं। ये एरो ऑपरेटर लगाने से हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं कि जितने मेंबर्स हैं उनका हमें पता, उनका हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाता है जिसमें हमें बता देता है कि आप आईडी एक्सेस करना चाह रहे हो, नेम एक्सेस करना चाह रहे हो, समथिंग जो भी मेंबर्स होंगे उसके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के जो जो मेंबर्स होंगे वो हमें एक्सेस दे देगा कि आप ये चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। हम इधर आईडी एक्सेस करना चाह रहे हैं, उसके बाद हम लगाते हैं एंडल। एंडल लगा के मैं फिर कहता हूँ कि नेम ऑफ बुक, नेम ऑफ बुक क्या है जी, नेम ऑफ बुक भी देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। पीटीआर वही तरीका, एरो ऑपरेटर और नेम, फिर हम एंडर लगा देते हैं। ठीक, इसके बाद हम इसे कंपाइल करते हैं, या हम कहते हैं कि एंटर द आईडी एंड नेम ऑफ द बुक, आईडी एंड नेम ऑफ द बुक हमने एंटर करनी है। आईडी एंटर कर देता हूँ मैम 145 एंटर, उसका वो करने के बाद ये हमारे से नेम रिक्वायर कर रहा है, मैं एंटर कर देता हूँ मैथ्स। ठीक, अब ये हमें बता रहा है एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर बुक इज दिस, ये हमें बता रहा है कि ये एड्रेस है। और हमने ये ऐसे किया ना, ये देख सकते हैं अब आप एड्रेस हमने ये शो करवा दिया पॉइंटर के ज़रिए, पॉइंटर एड्रेस होल्ड करता है ना। ठीक है, हमने पॉइंटर के जरिए हमने एड्रेस शो करवा दिया, उसके बाद हमने ये सिंपल ये एरो ऑपरेटर लगाया। हम क्या करते थे कि इधर डॉट ऑपरेटर लगा के हमने ये चीज़ें एक्सेस करते हैं ना, डॉट ऑपरेटर लगा के वो ऑब्जेक्ट के थ्रू जब हम एक्सेस कर रहे होंगे तब हम डॉट ऑपरेटर लगाएंगे, जब हम एक्सेस कर रहे होंगे पॉइंटर के थ्रू तब डॉट की जगह हम एरो ऑपरेटर लगाएंगे। एरो ऑपरेटर लगाने से इस पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस स्टोर हुआ होगा इसका, वो उस एड्रेस को एक्सेस करते हुए पार्टिकुलर आईडी तक पहुंच जाएगा, फिर नेम तक पहुंच जाएगा, फिर हमारी ये चीज़ें डिस्प्ले करवा देगा। इस तरीके से हमारी ये चीज़ें डिस्प्ले करवा देगा, और ये सिंपल था। एक दफ़ा फिर हम इसे कंपाइल करके देख लेते हैं, बाय प्रेसिंग F11 आई विल कंपाइल एंड रन, सो देयर इज आईडी एंड नेम ऑफ द बुक, आई विल एंटर 55 आईडी एंड नेम अहमद, सो दिस इज एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर बुक इज 0 क्रॉस, दिस एड्रेस ऑफ मेमोरी एंड द बुक आई डी 55 एंड द नेम ऑफ बुक अहमद। ठीक, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, बहुत ही आसान था, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई हो, अगर किसी चीज़ की भी नहीं समझ आ रही है बकायदा कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके जो सवालों का जवाब दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, समझ आए, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल।